सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से और टू डे में। आज की वीडियो होने वाली है बड़ी खास, क्योंकि इस वीडियो में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड स्टॉक के मार्च मंथ में क्या टारगेट होने वाला है, यह अनुमान कंपनी की क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री के रिजल्ट से लगाने वाले हैं। चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले स्टॉक का प्राइस देखें तो स्टॉक करंट लेवल पर 242 रुपए 10 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग डे को इस स्टॉक में 80 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक एक पॉजिटिव ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का रिवेन्यू देखें तो क्वार्टर वन में 2,112 करोड़ रुपए की कंपनी की रिवेन्यू देखने को मिली थी, तो वहीं पर क्वार्टर टू में 3,313 करोड़ रुपए और क्वार्टर थ्री में 2,089 करोड़ रुपए। तो क्वार्टर वन के मुकाबले देखें क्वार्टर टू में तो काफी अच्छा जंप देखने को मिलाएगा, परंतु क्वार्टर टू के मुकाबले क्वार्टर थ्री में स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी की रिवेन्यू में। तो ये कंपनी के लिए क्वार्टर टू के मुकाबले क्वार्टर थ्री में एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का प्रॉफिट देखें तो क्वार्टर वन में 112 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, क्वार्टर टू में 309 करोड़ रुपए का और क्वार्टर थ्री में 118 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर वन के मुकाबले क्वार्टर टू में तो प्रॉफिट में काफी अच्छा जंप देखने को मिला, पर वही क्वार्टर टू के मुकाबले क्वार्टर थ्री में कंपनी की प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर हम क्वार्टर टू के मुकाबले क्वार्टर थ्री का कंपेयर करें तो उसमें कंपनी की रिवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिल रही है, साथ के साथ कंपनी के प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक के रिटर्न्स की बात करें तो पीछे के एक सप्ताह के अंदर स्टॉक में 5% की गिरावट देखने को मिली है, तो वहीं एक महीने में 15%, 3 महीने में 33% की तेजी, 6 महीने में 60% और 1 साल के अंदर 88% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। तो जिन निवेशकों ने इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म से होल्ड किया तो उन्हें तो काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, परंतु पीछे के एक महीने से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट का कारण यह भी है कि कंपनी की रिवेन्यू क्वार्टर थ्री में गिरती हुई नजर आ रही है, साथ के साथ कंपनी का प्रॉफिट में भी काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस वजह से स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में एक रुकावट रेंज 221 रुपीज का था, 221 रुपीज स्टॉक में एक रुकावट रेंज थी। काफी टाइम से स्टॉक एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था, पर जैसे स्टॉक ने अपने पुराने हाई 223 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देता है, स्टॉक में वन वे रैली देखने को मिलती है, जहां पर स्टॉक में एक टॉप बनता है 322 रुपीज का। 322 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया, ऊपरी लेवल पर अब इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रही है, जहां पर स्टॉक ने पिछले हाई 223 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट करता है और यहां से अब फिर से स्टॉक में एक अपसाइड मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक 223 रुपीज पर स्टॉक में एक अच्छा डिमांड जोन देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 223 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 326 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। जब तक स्टॉक 223 रुपीज से ऊपर रहता है स्टॉक में एक बाइंग जोन देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।